अलवर शहर में नियम विरोध संचालित ई रिक्शा संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और नगर निगम की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। परिवहन विभाग निरीक्षक ने बताया कि शहर में नियम विरोध संचालित ई रिक्शा संचालकों के खिलाफ आज कार्यवाही की गई, आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही जिन ई रिक्शा संचालकों के पास कागजात पूरे नहीं पाए गए, उनका चालान भी परिवहन विभाग द्वारा किया गया। हाँ जी, हेलो। आज परिवहन विभाग और यातायात पुलिस, ट्रैफिक और नगर निगम, इनकी कंबाइंड कार्रवाई है, जो कि ये ई रिक्शा थ्री व्हीलर चल रहे हैं इनके ऊपर है। इनकी रजिस्ट्रेशन में एक प्रावधान है कि आप जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है वही चला सकता है इसको। एक स्वरोजगार के लिए चलाया गया था, पब्लिक सुविधा के लिए। अभी क्या हो रखा है शहर में, कुछ ओनर इस टाइप के हैं जिन्होंने लेके किराए पे दे दिया, जैसे 300 रुपये पर डे में ड्राइवर को दे दिया। तो ये इस टाइप का व्यवसाय नहीं था, तो इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ एक ड्राइवर हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, थ्री व्हीलर का अलग से लाइसेंस बनता है, वो लाइसेंस नहीं है, तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करके इनको पुलिस थाने में बंद किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई सब पूरी कंप्लीट करके इनको निस्तारण किया जाएगा। सर, इसी तरह से एक मामला है, उनका कमर्शियल रूप में काम किया, वो भी हमने परिवहन विभाग ने उस पर भी, अब की बार नहीं, वो पिछले कई सालों से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आप स्पेशली ट्रैक्टरों की देखें तो वो कृषि के लिए पंजीकृत है, उनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, ईंटों में भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मंडी में भी चल रहे हैं, तो उनका भी हम कमर्शियली टैक्स भी लेते हैं, ओवरलोड का भी चालान भरते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन प्रावधान है उनकी जो भी शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। आप नंबर ऑफ चालान पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितनी कार्रवाई हुई, तो हम लगभग जो भी हमको मिलता है मौके पे, सामने से जो भी होता है उन पे सब पे कार्रवाई करते हैं।